हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिशलिन पायलट रोड 5, जो नया एक टायर इंडिया में लॉन्च हुआ है मिशलिन का। ये टायर दोस्तों यूरोपियन मार्केट में काफी पहले लॉन्च हुआ था, रिसेंटली मिशलिन ने इस टायर को इंडिया में लाया है। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है क्विक फिक्स इंडिया, जहां पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम लोग डेली बेसिस पे सुपर बाइक रिलेटेड, कार रिलेटेड स्टोरी अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, और एक चीज बताना चाहूंगा, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सो जो भी ओपिनियन और जो भी फीडबैक है ये एक मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर दोस्तों टूरिंग करना पसंद करते हो तो ये टायर आपके लिए ही बना है, क्योंकि ये जो टायर है ये स्पेशली डिजाइन किया है मिशलिन ने टूरिंग पर्पस के लिए। दोस्तों, क्या क्या बेनिफिट है इस टायर के, इस वीडियो में देखेंगे। कौन से कंपाउंड इसके अंदर यूज किए हैं और कौन से रोड कंडीशन पे ये टायर अच्छा परफॉर्म करेगा, उस चीज के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, आप कोई भी सुपर बाइक का टायर या कोई कार का टायर आपको परचेस करना है आपके सिटी में, तो आप tyremarket.com के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, काफी बेहतरीन प्राइसेस उन लोगों ने दी है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर मिशलिन रोड 4 यूज कर रहे हो या फिर आपने मिशलिन रोड 4 के बारे में कुछ भी सुना है, सो ये जो टायर है ये सक्सेसर है मिशलिन रोड 4 का। रोड 5 जो दोस्तों है ये अपग्रेडेड वर्जन है रोड 4 का। रोड 5 जो है दोस्तों ये टूरिंग टायर है, जो लॉन्ग रन टूरिंग के लिए यूज करते हैं, आप सिटी राइड करते हैं उसके लिए काफी बेहतरीन टायर है। इस टायर के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कंपनी ने ड्यूअल कंपाउंड यूज किया है इसके अंदर, जो है 2CT टेक्नोलॉजी का यूज किया है। 2CT मतलब टू ट्रेड टेक्नोलॉजी। दोनों टायर में दोस्तों जो ये मिडल पोर्शन है इसमें हार्ड रबर यूज किया है और इक्वली साइड वॉल में सॉफ्ट कंपाउंड का यूज किया है। सॉफ्ट कंपाउंड का यूज जब आप लीन एंगल पे गाड़ी चलाते हो तो आपको ग्रिप ज्यादा चाहिए होता है, तो वहां पे ज्यादा ग्रिप मिलेगा। और सेंटर लाइन में दोस्तों जो हार्ड रबर का यूज किया है, जिससे आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा, टायर का लाइफ ज्यादा मिलेगा। साइड वॉल में आप देखते हो कि यहाँ पे सॉफ्ट कंपाउंड का यूज किया है, लेकिन अंदर के साइड में कंपनी ने इसका हार्ड कंपाउंड का यूज किया है। लीन एंगल में दोस्तों जब आप गाड़ी चलाते हो, लीन एंगल के अंदर आपको ज्यादा टायर जो है आपका स्टिफ रहना चाहिए, क्योंकि क्या एग्जैक्टली गाड़ी के साथ में हो रहा है ये आपको पता रहना चाहिए। इसके वजह से जो अंदर के साइड में है कंपनी ने शोल्डर में भी हार्ड कंपाउंड का यूज किया है, उसके ऊपर जो सॉफ्ट कंपाउंड का लेयर कंपनी ने डाला है। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो ACT टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसे हम लोग एडेप्टिव केसिंग टेक्नोलॉजी करते हैं। जो बॉडी प्लाइज होती है ये थिन है अक्रॉस द टायर, साइड वॉल के अंदर जो है वो थोड़े थिक लेयर यूज किया होता है। वो थिक लेयर यूज करने का रीजन ये होता है कि भी आप दोस्तों लीन एंगल में रहते हो, उससे थोड़ा स्टिफनेस होना चाहिए, सो गाड़ा ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, उसे एक राइडिंग कंफर्ट ज्यादा रहेगा, एक राइडिंग कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा अगर वो साइड वॉल थोड़ा स्टिफ रहता है। इस हिसाब से दोस्तों टायर का डिजाइन बना है, उस हिसाब से टायर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा वेट और ड्राई ग्रिप के लिए। काफी सुपर बाइकर्स दोस्तों रेनी सीजन में बाइक चलाना पसंद नहीं करते, तो ये जो एक रेनी सीजन में बाइक स्लिप होने के चांसेस होते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मिशलिन ने आपका सॉल्व कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेड डिजाइनिंग के बारे में। ट्रेड डिजाइनिंग में जो इस टायर में मिशलिन ने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो काफी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और वैसी टेक्नोलॉजी कोई भी कंपनी ने अभी तक यूज नहीं की है। क्या डिफरेंट है इस टायर में वो बताना चाहूंगा आपको। रोड 4 जो था वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जिसके अंदर साइपिंग्स जो थी वो सीधी साइपिंग्स आती थी, जो वाटर इवैक्यूएशन जो होता था वो सीधा होता था। इस ट्रेड के अंदर क्या किया है कंपनी ने, साइपिंग्स इसके अंदर कम कर दी है, तो आपको लगता होगा कि जो वेट ग्रिप है वो कम मिलेंगी, वैसा नहीं है, क्योंकि वाटर इवैक्यूएशन के लिए जो रूम बना है वो काफी बड़ा रूम है। यहां पे ये देख सकते हो कि ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बोलते हैं हम लोग, तो ये जो ऊपर का जो ये रहता है वहां से ऐसा पानी निकल जाता है। पेपर में देखते हैं दोस्तों ये वाटर इवैक्यूएशन कैसा होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रोड 5 का जो ट्रेड है दोस्तों ये ऐसा है, इवैक्यूएशन होता है, पानी जब जाता है वो ये पोर्शन से जाता है, तो काफी अच्छा वेट ग्रिप मिलता है। जब आपका टायर जो वेयर आउट हो जाएगा तो इतना पार्ट जो है ये पोर्शन वेयर आउट हो जाएगा, तो जो टायर का 3000 माइल्स के बाद में जो ट्रेड रहेगा ये ऐसा रहेगा। सो जो वाटर इवैक्यूएशन होगा वो यहाँ से होगा, आपका यहाँ पे पानी रहेगा, तो वेट ग्रिप जो है ये हमेशा आपको अच्छी मिलेंगी थ्रू आउट द लाइफ। कि मैंने कहा था रोड 5 जो है ये रोड 4 का सक्सेसर है, सो यहाँ मिशलिन कंपनी क्लेम करता है कि अगर आप रोड 5 को 4,500 से 5,000 किलोमीटर चला लेते हो, उसके बाद भी जो रोड 4 का नया टायर है और रोड 5 का जो 4,500 यूज हुआ हुआ टायर है, इनका ब्रेकिंग जो है वो सेम रहेगा। दोस्तों, अभी साइजेस के बारे में बात करते हैं। साइजेस जो है इसका फ्रंट और रियर दोनों 17 इंच में अवेलेबल है। जो जो साइजेस इंडिया में अवेलेबल है उसका इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज जाके चेक कर सकते हो। प्राइस रेंज दोस्तों इस टायर का है 12,500 से लेके 22,500 तक। आप जाके देख सकते हो कौन सा टायर है आपके गाड़ी का, उस हिसाब के आपके टायर के प्राइजेस होंगे। स्पीड इंडेक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये डब्ल्यू रेटेड स्पीड इंडेक्स है इसका, और डब्ल्यू रेटेड होने की वजह से आप कोई भी सुपर बाइक्स में इस टायर को डाल सकते हो। सारी टूरिंग बाइक, स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक या स्पोर्ट्स नेकेड बाइक, ये सारी गाड़ियों में आप इस टायर को डाल सकते हो।
कंपटीशन की बात करते हैं दोस्तों, इस टायर का जो कंपटीशन है ये मिचेलिन रोड 01 से है और पिरेली का एंजल जीटी से है जो इंडिया में अवेलेबल है। काफी लोग टूरिंग टायर को ट्रैक पे चलाते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों जो ग्रिप आपको टायर से मिलनी चाहिए ट्रैक के ऊपर वो इससे नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो मिडल पोर्शन है वो हार्ड होता है, तो उसके वजह से ये ट्रैक पे अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि छोटा मोटा ट्रैक का लैप्स मारना है आपको तो आप इस टायर को यूज कर सकते हो उस पर। बस दोस्तों इतना ही बताना चाहूंगा, आप आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में दोस्तों एक बेल आइकन भी दिया है उसे भी प्रेस कर लेना, सो बाकी आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। Riders, please wear helmet. Driver, please wear seat belt. Keep the road clean. Keep the road safe. Keep the city clean. Thank you.